नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आपने मैट्रिक का एग्जाम पास कर लिया है तो आपके लिए ये बुरी खबर होने वाली है, लेकिन अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो फिर ये आपके लिए सबसे अच्छी खबर होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार बिहार में अब सरकार ने कुछ अलग ही करने का सोच लिया है। बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से ये फैसला लिया गया है कि इस बार अब मैट्रिक के एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वालों को बस दिया जाएगा। बस सरकार खरीद कर देगी, आखिर क्यों, कैसे, चलिए बताते। परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष सभी प्रखंडों में योजना के तहत प्रति प्रखंड 7 लाभुकों को बस की खरीद के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वो कैसे होगा, चलिए बताते हैं। विभाग की जानकारी के अनुसार योजना के तहत लाभुकों के चयन के लिए प्रखंडवार एवं कोटिवार वरीयता सूची बनाई जाएगी। इसमें जाति के बाद वरीयता का आधार मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता होगी। ऐसे में मैट्रिक पास करने वाले छात्र छात्राएं जिसका सबसे अधिक नंबर होगा वो इसमें सबसे पहले नंबर पर होंगे। बता दें कि अगर किसी का अंक समान आता है तो फिर ऐसे में अधिक उम्र वालों को वरीयता दी जाएगी। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाने वाले लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति भी देनी जरूरी होगी। वहीं इसके बाद आवेदक को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। खरीदे गए वाहन को आवेदक 5 साल तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी के लिखित स्वीकृति के बेच नहीं सकेगा। बता दें कि विभाग के अनुसार तैयार वरीयता सूची के आधार पर लाभुकों के चयन के लिए 3 सदस्य चयन समिति बनाई जाएगी। इसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे, जबकि उप विकास आयुक्त और जिला परिवहन पदाधिकारी सदस्य सचिव बनेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के अनुसार घटते क्रम में एक प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। चयनित आवेदकों द्वारा स्वेच्छा से बस की खरीद की जाएगी। बस की खरीद के बाद उससे जुड़े कागजात DTO कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक जांचें करवानी होंगी, जिसके बाद लाभुक के खाते में ऑनलाइन राशि भेजी जाएगी। वहीं इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड से 7 लाभुकों का चयन होगा। इसमें 2 अनुसूचित जाति वर्ग, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग और 1 अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। इसके अलावा 1 लाभुक सामान्य वर्ग से रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।